खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ चेतना। राजस्थान में हर 5 साल शिक्षा में नए नए रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन ये रंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि सियासत चमकाने के लिए बदले जाते हैं। गहलोत के फैसले को वसुंधरा बदल देती हैं और वसुंधरा के फैसले को गहलोत बदल देते हैं। ऐसे में शिक्षा को बढ़ावा देने के बजाय दोनों सरकारों ने बच्चों को कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। पिछले बीजेपी राज में एक्सपेरिमेंटल महाराज के तौर पर वसुदेव देवनानी सामने आए, जो शिक्षा पर लगातार एक्सपेरिमेंट ही करते रहे, और अब दूसरे एक्सपेरिमेंटल महाराज गोविंद सिंह डोटासरा बन गए हैं। अब राजस्थान में शिक्षा पूरी तरह से खिलौना बन चुकी है। पिछली भाजपा सरकार ने कई फैसले पलट चुकी कांग्रेस सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर की जीवनी वाले हिस्से में बदलाव किया है। हिंदुत्व के अनुयायी दामोदर सावरकर को 3 साल पहले भाजपा सरकार ने तैयार सिलेबस में वीर, महान देशभक्त, क्रांतिकारी बताया था, और अब कांग्रेस शासन में नए सिरे से तैयार पाठ्यक्रम में उन्हें वीर ना बताकर जेल की यातनाओं से परेशान होकर ब्रिटिश सरकार से दया मांगने वाला बताया गया है। कई और नए तथ्य भी जोड़े गए हैं। क्या है वो किया है, वीर सावर जी के बारे में जो भी लिखा है पुस्तकों में उसके प्रमाण जिन शिक्षाविदों ने लिखा है उनके पास में मौजूद हैं। इसलिए ये कहना कि वीर सावर जी का अपमान किया गया है, ये कतई गलत है। ये उन लोगों की एक सोच थी, आरएसएस की सोच के मुताबिक उन्होंने पाठ्यक्रम में बदलाव किया था अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए, अपनी पार्टी का एजेंडा छुपा हुआ साधने के लिए। मैं समझता हूँ ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शिक्षा में बच्चों को जो पढ़ाया जाए वो सही इतिहास के अनुसार ही होना चाहिए, वही पढ़ाया जाए। इसलिए वीर सावर जी के बारे में जो कुछ भी हमारे शिक्षाविदों ने लिखा है उनके पास में उस बात के पर्याप्त साक्ष्य और दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने सोच समझ करके लिखा है, मैं समझता हूँ। उधर भाजपा ने इसे वीर सावरकर की वीरता का अपमान बताया, जबकि कांग्रेस सिलेबस की समीक्षा के लिए गठित कमेटी के प्रस्तावों के अनुसार सिलेबस तैयार किया है। कांग्रेस का कहना है कि इसमें राजनीति नहीं की गई है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के आते ही स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा का काम शुरू हुआ था। इसके लिए 2 कमेटियां बनाई गई थी। माध्यमिक शिक्षा के सिलेबस की समीक्षा के लिए गठित की गई कमेटी ने 10वीं कक्षा के चैप्टर 3 में कई महापुरुषों की जीवनी शामिल है। इसमें वीर सावरकर से जुड़े हिस्से में काफी कुछ बदलाव किया गया है। जबकि भाजपा ने तो वीर सावरकर को महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त और महान संगठनवादी बताया था। इतना ही नहीं, वीर सावरकर ने तो हमेशा देश की स्वतंत्रता के लिए तप और त्याग भी किया था। उनकी तारीफ में ये भी कहा गया था कि उनकी प्रशंसा शब्दों में नहीं की जा सकती। सावरकर को जनता ने वीर की उपाधि से विभूषित भी किया था, लेकिन अब कांग्रेस के आते ही पूरी किताब ही बदल दी गई, पूरा इतिहास बदल दिया गया। अब सावरकर की जीवनी में नए तथ्य जोड़ दिए गए हैं और लिखा गया है कि जेल के कष्टों से परेशान होकर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के पास 4 बार दया याचिकाएं भेजी थी। इसमें उन्होंने सरकार के कहे अनुसार काम करने और खुद को पुर्तगाल का बेटा बताया था। ब्रिटिश सरकार ने याचिकाएं स्वीकार करते हुए सावरकर को 1921 में सेल्यूलर जेल से रिहा कर दिया था, और यहां से छूटने के बाद सावरकर हिंदू महासभा के सदस्य बन गए और भारत को एक हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की मुहिम चलाते रहे। कुल मिलाकर कांग्रेस सरकार ने सावरकर को डरपोक बता दिया है। खैर जो भी हो, लेकिन इन सबके बीच बच्चे पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर सावरकर को देशभक्त पढ़ें या फिर देश विरोधी। पाठ्यक्रम में बदलाव के बाद में राजस्थान में अब राजनीति जोरों पर है। पूर्व शिक्षा मंत्री वसुदेव देवनानी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वीर सावरकर हिंदुत्व से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस हमेशा हिंदुत्व से घृणा करती है, इसलिए वीर सावरकर का कद छोटा करने की कोशिश की गई है। क्रांतिकारियों को सिलेबस में इसलिए शामिल किया जाता है कि बच्चे उनसे प्रेरणा ले सके, लेकिन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर इस प्रकार उनका अपमान करना ठीक नहीं है। वहीं गहलोत के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सिलेबस पर राजनीति को पूरी तरह से खारिज ही कर दिया। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बच्चों का भविष्य सियासी सिलेबस में छप जाएगा क्या? अब अगले 5 साल बाद फिर से सावरकर का नया इतिहास पढ़ाया जाएगा?
या फिर क्या सिलेबस पर अगली सरकार में भी इस तरह की राजनीति होती रहेगी? वाकई ये बड़े सवाल हैं जो दोनों ही पार्टियों को जवाब देने होंगे। आज के इस डिजिटल दुनिया में हर कोई चाहता है YouTube पर छाना, हर कोई चाहता है YouTube पर अपनी बात बताना। लेकिन अगर आपके पास एंकर, स्टूडियो, एडिटिंग और दूसरे संसाधन नहीं है तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस दे सकता है आपको सभी वीडियो प्रोडक्शन सर्विसेज। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672 और विजिट करें मिशी मीडिया सॉल्यूशंस.com।